नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस, मैं हूं ब्रजेश। और शुरुआत कर्नाटक चुनाव से। पीएम मोदी ने कर्नाटक में रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। चित्रदुर्ग में पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है, वहीं कांग्रेस वोट बैंक के लिए समाज को तोड़ रही है। यही नहीं, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए सुल्तानों का जन्मदिन मनाने का भी आरोप लगाया है। महापुरुषों का अपमान करना कांग्रेस के चरित्र का हिस्सा है, वहीं वोट बैंक के लिए कांग्रेस इतिहास को तोड़ मरोड़ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता का अपमान किया है। चित्रदुर्ग की भूमि विज्ञान और तकनीक की भूमि है। कांग्रेस पार्टी ये ऐसी पार्टी है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए समाज को तोड़ने के षड्यंत्र के लिए वो इतिहास और भावनाओं को भी मरोड़ करके उल्टी गंगा बहाने की आदत उसको हो गई है। ये कांग्रेस का चरित्र देखिए, जिसकी जयंती मनानी चाहिए, गौरवपूर्वक मनानी चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा लेनी चाहिए, उसकी जयंती मनाना तो उनको सूझता नहीं है। और उनके ओ बब्बा उसको तो भुला दिया गया, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के खातर सुल्तानों की जयंती मनाने में लगे पड़े हैं। इस जयंती के फेर में कांग्रेस ने कर्नाटक के लोगों का और विशेषकर चित्रदुर्ग के लोगों का बहुत बड़ा अपमान किया है। और कर्नाटक में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार बीएस येदुरप्पा ने एक विवादित बयान दिया है। येदुरप्पा ने एक रैली के दौरान कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर आपको लगता है कि कोई वोटिंग नहीं कर रहा है तो उसके घर जाओ और उसको हाथ पैर बांधकर बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने के लिए लेकर आओ। येदुरप्पा के इस बयान को लेकर बवाल मच गया है। येदुरप्पा कर्नाटक के बेलगाम में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। येदुरप्पा के बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है और वोटर्स को धमकाने का आरोप लगाया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने येदुरप्पा के भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया है। सभे समारंभ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳದನೆ ಇನ್ನ ಐದಾರು ದಿವಸ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಮತದಾರರು ನಮ್ಗೆ ವೋಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಮಹಂತೇಶ್ ದೊಡ್ಡಗೌಡರು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि येदुरप्पा ने बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं देने वाले लोगों को सार्वजनिक रूप से धमकी दी है। बीएस येदुरप्पा शुड बी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ एंड दे शुड रियलाइज दैट पीपल ऑफ कर्नाटका विल नॉट बी इंटिमिडेटेड बाय हिज वायलेंट थ्रेट्स। ऑल्सो सेंड्स अ वेरी क्लियर मैसेज आउट दैट भारतीय जनता पार्टी कैंप इज अ वरिड लॉट। They know that they are facing defeat in the times to come. कर्नाटक में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार येदुरप्पा पहले से ही विरोधियों के निशाने पर थे और अब विवादित बयान ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये जो भाजपा है जिसके येदुरप्पा साहब हैं मैस्कॉट, हालांकि कई लोग उनके विरोध में हैं, ये मैस्कॉट ये डेमोक्रेसी को एक नया आयाम देना चाहते हैं। फोर्स मैनिपुलेशन, ऑल्टरेशन, डिस्टॉर्शन, ये सारी चीज़ें इनके कैरेक्टर में, उनके मुंह से बात निकल गई। जो लोग वोट नहीं देने उनका हाथ पैर बांध के लिया, ये ज़ुबान कौन बोलता है? ये तालिबानी ज़ुबान है, ये हिंदुस्तान की ज़ुबान नहीं है, और तालिबानी ज़ुबान बोलने वाले भाजपा के ही लोग हैं। ये तुगला की फरमान है, और कम से कम जो मुख्यमंत्री रह चुका हो या बनने की इच्छा रखता हो उसको ऐसे वक्तव्य नहीं देने चाहिए। यद्यपि मैं कंपलसरी वोटिंग का पक्षधर हूँ।